कांग्रेस डेलीगेशन ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उस दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपा है दिल्ली हिंसा को लेकर। तो दिल्ली हिंसा पर यह ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा गया है। दरअसल आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने इस दौरान मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि दिल्ली में 3 दिन हिंसा हुई, हिंसा रोकने के लिए केंद्र ने कुछ नहीं किया। केंद्र और दिल्ली सरकार ने हिंसा की अनदेखी की, केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी रही। तो बता दें कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कांग्रेस के जरिए की गई थी जिसमें सोनिया गांधी मौजूद थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री इस्तीफा दे और बताया था कि ये भड़काऊ भाषणों के चलते हुआ। घबराकर आनंद फानन में रातों रात जज का तबादला कर अब आपने न्यायपालिका की निष्पक्षता और कानून की अनुपालना पर भी हमला बोल दिया। और रविशंकर प्रसाद जी छाज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले। ये वही रविशंकर प्रसाद जी और मोदी जी की सरकार है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के निर्णय को ठुकरा कर गोपाल सुब्रमण्यम जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने से इनकार कर दिया था। ये वही रविशंकर प्रसाद जी और मोदी जी हैं जिन्होंने जस्टिस KM जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के निर्णय को, कोलिजियम के निर्णय को 2 बार नकार दिया और बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा क्योंकि KM जोसेफ जी ने उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय को खारिज कर दिया था। और गोपाल सुब्रमण्यम जी दंगों में मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ गुजरात में वकील थे। इसी प्रकार से ये यहीं समाप्त नहीं हुआ। याद करिए अकील कुरैशी जज साहब जो हैं जिन्होंने 2010 में उनके आदेशों की वजह से अमित शाह जी जेल गए थे, उन जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति को भी कोलिजियम की रिकमेंडेशन के बाद लॉ मिनिस्टर ने रोका था। क्या वो देश को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की कितनी नियुक्तियों की रिकमेंडेशन निर्णय उन्होंने रोक रखे हैं? इसलिए आज कोलिजियम के पीछे मत छुपिए, 14 दिन का समय मिलता है। फैसला हुआ 12 तारीख को, पब्लिक हुआ 19 तारीख को और आपने आनन फानन में ये ऑर्डर जारी कर दिया और आज झूठ भी बोल दिया कि आपने उनकी सहमति ले ली है। जज सहमति नहीं देता, जज को आप कहीं भी लगा दें, पर ऐसा समय जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो सामने आ गए और उन पर मुकदमा दर्ज हो रहा था और आज हो जाना था, तो ऐसे में रातों रात हाई कोर्ट के जज का तबादला, ये दिखाता है कि भाजपा ने दुर्भावना से न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमला बोला है। पर ये जान लें कि जो खंडपीठ आज फिर बैठेगी वो भी न्याय करेगी क्योंकि सत्यमेव जयते ही हमारी जुडिशरी का एकमात्र नीति और सिद्धांत है। तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मांग लगातार यही कि सख्त कदम इसको लेकर उठाया जाए। तो दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस का डेलीगेशन जो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचा और इस दौरान दिल्ली हिंसा को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। 34 persons at least have died. Over 200 people have been injured. This is a reflection on the total failure of the central government. और अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अमित, सीधे हमला केंद्र की सरकार पर और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कि कार्रवाई की जाए और मूकदर्शक बनी रही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार। जी बिल्कुल, देखिए कल कांग्रेस ने मार्च निकाला था जिस मार्च को जनपद से रोक दिया गया था। खुद प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और कल जब जनपद में मार्च रोका गया उसके बाद फिर आज जो है कांग्रेस डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा था और बाकायदा खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ पे पहुंचे, सभी वरिष्ठ नेता थे, जहाँ ज्ञापन दिया गया और दिल्ली हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं, इसे लेके चिंता जाहिर की है। हालांकि बीजेपी जो है लगातार कांग्रेस पे हमलावर है। जब से कि सोनिया गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर है कि कांग्रेस दिल्ली हिंसा को लेके राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे शांति मार्च का नाम दे रही है, केंद्र सरकार पे सीधा आरोप लगा रही है कि सरकार क्यों विफल रही और जो मिलिट्री फोर्स और जो CRPF अब तैनात की गई तो इस तरह की चीजें केंद्र सरकार द्वारा पहले क्यों नहीं की गई। जी चलिए, फिलहाल धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।